व्हाट्सएप पर अवैध कट्टा लहराना पड़ गया महंगा युवक, पहुंचा जेल, धौलपुर की प्रमुख खबर। व्हाट्सएप पर अवैध कट्टा के साथ फोटो अपलोड कर दबंगई दिखाते हुए लोगों को भयभीत करने के आरोपी को आज निहालगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर से प्राप्त सूचना के अनुसार 23 नवंबर को युवक ने अवैध कट्टा के साथ व्हाट्सएप पर फोटो अपलोड किया था, जिसे आज तोप तिराहे पर देखा गया। सूचना पर पुलिस जाप्ता वहां पहुंचा तो एक युवक पुलिस को देखकर भाड़ा स्कूल की तरफ भागने लगा, जिसे पुलिस ने भागकर दबोच लिया। तलाशी लेने पर उसके पास 315 बोर का अवैध देसी कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम शुभम राणा, निवासी काष्टपाड़ा धौलपुर बताया। अवैध कट्टे के साथ युवक को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में विजय सिंह, थानाधिकारी अशोक कुमार, हेड कांस्टेबल गुरुदयाल, शांति किशोर एवं नीरज कांस्टेबल शामिल रहे। महाराणा सूरजमल के गलत चित्रण को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर निर्माता निर्देशक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, भरतपुर की प्रमुख खबर। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के शो अहिल्या में निर्देशक जैक्सन सेठी और निर्माता नितिन वैद एवं निनाद वैद द्वारा महाराजा सूरजमल के किरदार को इतिहास से छेड़छाड़ कर खलनायक की भांति पेश किए जाने पर टीम ऋषि जाट, बॉक्सर रामू जाट के नेतृत्व में सर्वजाति धर्म के युवाओं ने राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम भरतपुर कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें टीम के कोरोना वॉरियर्स ऋषि जाट ने इस धारावाहिक पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। सूरजमल जो कि अजय सम्राट हैं, जिन्हें कोई जीत नहीं पाया, चाहे मुगल, मराठे व अंग्रेज हों, उस योद्धा का चित्रण खलनायक युद्ध से भागते हुए दिखाया गया है, जो कि असत्य है एवं इतिहास के विरुद्ध है। बॉक्सर रामू जाट व ऋषि जाट ने कहा, हम अहिल्याबाई को मानते हैं, उनसे एतराज नहीं। ऋषि ने निर्माता एवं निर्देशक के नाम रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें वकील महेश फौजदार हैं। ऋषि ने कहा, इस धारावाहिक पर या तो रोक लगानी चाहिए या इसमें महाराजा सूरजमल के चित्रण को इतिहास के अनुरूप सच्चाई दिखानी चाहिए, अन्यथा आगामी दिनों में संपूर्ण देश में उग्र आंदोलन होगा। सूरजमल 36 कौम के राजा हैं, उन्होंने सभी जाति धर्म के उत्थान के लिए राष्ट्र हित में कार्य किए। इस दौरान कोरोना वॉरियर्स ऋषि जाट, बॉक्सर रामू जाट, एडवोकेट महेश चौधरी, त्रिषाद जाटव, माधव सिंह, बलवीर सिंसिनवार, भूरी सिंह फौजदार, गोलू सैनी, सुमित बंसल, प्रदीप सोलंकी, हरदयाल गुर्जर, रोहिल खां आदि मौजूद रहे। भरतपुर से वीवीएन ब्यूरो रिपोर्ट। कलेक्टर महोदय के थ्रू और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें कि एक सीरियल चला जा रहा है राजमाता अहिल्याबाई के नाम से। हम राजमाता अहिल्याबाई की कदर करते हैं, उनको हम मानते हैं, लेकिन उस सीरियल में क्या है, निर्माता निर्देशक द्वारा जो महाराजा सूरजमल जी का गलत चित्रण किया गया है, उसमें उन्हें एज अ विलन साबित किया गया है, तो उसकी हम निंदा करते हैं। तो इस सीरियल को चलने दिया जाए, क्योंकि राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने भी राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन महाराजा सूरजमल जी का जो इसमें चित्रण किया गया है वो गलत किया गया, उसमें थोड़ा सुधार किया जाए, इसी को लेकर आज हम ज्ञापन दे रहे हैं। श्री विवेकानंद संदेश यात्रा का बाड़ी में हुआ भव्य स्वागत, बाड़ी की प्रमुख खबर। आज विवेकानंद संदेश यात्रा के बाड़ी आगमन पर आदर्श विद्या मंदिर पर गणमान्य नागरिक एवं आयोजन समिति के पदाधिकारियों द्वारा दिव्य भव्य तरीके से स्वागत किया गया। प्रातः 9 बजे से यह यात्रा आदर्श विद्या मंदिर से प्रारंभ होकर बाड़ी के प्रमुख मार्ग किला गेट, घंटाघर, सराफा बाजार, सदर बाजार, मदरसा चौराहा, बसेड़ी बस स्टैंड से होती हुई पुलिस टाउन चौकी के पीछे फायर ब्रिगेड केंद्र पर पहुंची। इस यात्रा में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75 स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा विवेकानंद जी के स्वरूप एवं 75 महिलाएं भगवा साफे के साथ एवं 75 मोटरसाइकिल वाहन तिरंगा लेकर के युवा एवं घोड़े पर विवेकानंद जी का स्वरूप और विवेकानंद जी की झांकी एवं रथ और बाड़ी के गणमान्य नागरिक, माताएं, बहनें, युवा शक्ति इस यात्रा में साथ चल रहे थे। इस यात्रा का विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं अनेक लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान अग्रवाल धर्मशाला पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विद्वान वक्ताओं ने स्वामी जी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की एवं स्वामी जी का जो विचार था, उठो जागो, जब तक लक्ष्य को हासिल न करो रुको नहीं, इस प्रकार की प्रेरणा लेकर युवाओं को चलना चाहिए। अंत में यात्रा संयोजक अनिल गोयल के द्वारा सबका धन्यवाद दिया। यात्रा सम्पन्न होने के बाद बाड़ी से करौली जिले के लिए प्रस्थान हुई। बाड़ी से राजू शर्मा की रिपोर्ट।
आदर्श विद्या मंदिर सरमथुरा एवं बसेड़ी में मातृशक्ति सम्मेलन आयोजित। बसेड़ी सरमथुरा की प्रमुख खबर। विद्या भारती संस्थान जिला समिति धौलपुर द्वारा संचालित विद्या मंदिरों में आज मातृशक्ति सम्मेलन माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सरमथुरा और माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर बसेड़ी दोनों स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में मुख्य वक्ता गोपाल जी पारिक द्वारा हम बालकों का लालन पोषण कैसे करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो शिशु वाटिका अर्थात आंगनवाड़ी बाल वाटिका की जो संकल्पना है उसको विस्तृत रूप से रखते हुए अपने विचार व्यक्त किए। जिला सचिव अशोक कुमार शर्मा विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के विषय में जानकारी दी तथा विद्या भारती के लक्ष्य पर प्रकाश डालते हुए माताओं की क्या भूमिका बालकों के विकास में हो इस विषय पर अपना उद्बोधन दिया। विद्यालय के भैया बहनों द्वारा अंग्रेजी संस्कृत में कविता पाठ और वर्तमान जो बहन श्रद्धा के 35 टुकड़े किए उस पर भी इस कविता के माध्यम से सभी माताओं के समक्ष विषय रखा। कार्यक्रम में प्रीतम सिंह व्यवस्थापक बसेड़ी नगर पालिका चेयरमैन बसेड़ी श्रीमती चंद्रकला एवं श्रीमती विजय लक्ष्मी अर्चना उपाध्याय सरमथुरा चेयरमैन पत्नी श्रीमती चारू बानो ब्रजमोहन जिंदल व्यवस्थापक सरमथुरा द्वारा सभी उपस्थित मातृशक्ति व अतिथियों का आभार व्यक्त किया। प्रधानाचार्य फेरन सिंह परमार बसेड़ी राधेश्याम शर्मा प्रधानाचार्य सरमथुरा एवं उनके सभी स्टाफ का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। परिचय कराया अपना जो है पूरा राजस्थान क्षेत्र है उस राजस्थान क्षेत्र में तीन प्रांत हैं। राजस्थान को तीन प्रांतों बांटा है और प्रत्येक प्रांत में इस प्रकार हमारी 12-12 इकाइयां हैं महानगर को जोड़ते हुए। तो अपना जो जयपुर है और उसकी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को तैयार करना यह 3 वर्ष की आयु है। ज्ञानेंद्रिय कौन सी? जिससे ज्ञान प्राप्त करता है। आंख है जिससे देख करके वो सीखता है। नाक है जिससे वो सूंघ करके सीखता है। कान है जिससे वो सूंघ करके सीखता है। त्वचा है जिससे स्पर्श करके सीखता है। जीभ है जिससे चख करके सीखता है। ये 5 जो चीजें हैं जिनको हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं ये उसके तैयार हो जिससे वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार हो। और उसे कर्मेंद्रिया हाथ है पहले से काम करते हैं ये कर्मेंद्रिया है। ये कर्मेंद्रिय उसके तैयार हो और ये तैयार करने के जो वर्ष है वो 3 वर्ष है। उसके बाद में उसका लिखना पढ़ना शुरू होता है। अपने शास्त्रों वेदों में ये कहा है। भाजपा मंडल की जन आक्रोश यात्रा की तैयारी बैठक संपन्न। बसई नवाब की प्रमुख खबर। भाजपा प्रदेश नेतृत्व एवं भाजपा के जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के निर्देशन में मंडल बसई नवाब की कार्य समिति एवं जन आक्रोश यात्रा को लेकर ग्राम जारोली में बैठक मंडल अध्यक्ष विजेंद्र लोधा की अध्यक्षता एवं मुख्य अतिथि जिला मंत्री भाजपा जितेंद्र तिवारी के एवं विशिष्ट अतिथि जनाक्रोश यात्रा के बाड़ी विधानसभा संयोजक विष्णु सिंगल एवं मंडल प्रभारी बनवारी लाल गुर्जर रहे। बैठक का संचालन मंडल महामंत्री केजी तिवारी द्वारा किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि जितेंद्र तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार अपने हर वादे पर विफल रही है। गहलोत सरकार में अराजकता व तुष्टिकरण की नीति के तहत जनता में भय व्याप्त है। उन्होंने संगठन के संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जन आक्रोश विधानसभा संयोजक विष्णु सिंगल ने कहा कि आगामी माह दिसंबर में पूरे प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश रैली का समर्थन किया। मंडल महामंत्री केजे तिवारी ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा जिसका सभी कार्यकर्ताओं ने ध्वनि मत से समर्थन किया। मंडल प्रभारी बनवारी लाल गुर्जर एवं मंडल अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर दया शंकर कटारा मुकेश चंद त्यागी गोरेलाल लोधा भैरव सिंह बघेल प्रीतम सिंह लोधी राघवेंद्र गुप्ता अमर सिंह सरपंच श्यामू शर्मा चंदन सिंह परमार सियाराम कुशवा नत्थीलाल लोधा मुकेश चंद भारत त्यागी टीकम सिंह लोधा निहाल सिंह नरेंद्र सिंह हैत सिंह अभिषेक मंगल संतोष शर्मा शैलेंद्र गुर्जर बनवारी लाल कुशवा गोपाल सिंह कैलाश चंद सहित पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तहसील रिपोर्टर रोहित पाराशर की रिपोर्ट। बिरादरी से लेके अपन को वोटिंग करनी है। कमल के फूल पे पटक वोटिंग करनी है। जी सबको जगाना है जागृत करना है जिससे क्या है कि आदमी कोई किसी जाति का वोट देता कोई जाके कोई हाथी में वोट देता लगता पहुंचता हाथ में क्योंकि वो वोट काट देता पहुंच जाता हाथ में। अपन नहीं आते हैं।
सरकार बन जाएगी फिर भी जैसे 75-70 साल से अपन बैठे बिना प्रतिनिधित्व के बैठे फिर बैठे रह जाएंगे। खेल सामान मंगाने के लिए छात्र संघ अध्यक्ष ने प्राचार्य को दिया ज्ञापन। बसेड़ी से खास खबर। राजकीय मंडल महाविद्यालय बसेड़ी के छात्र संघ अध्यक्ष रोहित शर्मा ने प्राचार्य को खेल सामान मंगाने व खेल मैदान को समतल करने के लिए ज्ञापन दिया, जिसमें अध्यक्ष शर्मा ने बताया कि महाविद्यालय में एक बड़ा खेल मैदान है जिसमें विभिन्न प्रकार के खेल खेले जा सकते हैं, लेकिन खेल मैदान उबड़ खाबड़ पड़ा है जिसे मिट्टी डालकर समतल करवाया जाए जिससे विद्यार्थी उसमें विभिन्न प्रकार के खेल खेल सकें। साथ ही छात्र संघ उपाध्यक्ष अभिमन्यु परमार ने बताया कि महाविद्यालय में किसी प्रकार की कोई भी खेल सामग्री नहीं होने के कारण विद्यार्थी खेलों से पिछड़ते जा रहे हैं और खेलों से भी दूर होते जा रहे हैं। ज्ञापन के दौरान शिवानी परमार, रोहित शर्मा, रंजना रावत, अभिमन्यु परमार, स्वीटी गोल्ड, रानी शर्मा, मनोज शर्मा, संदीप परमार सहित कॉलेज के छात्र मौजूद रहे। सती वाले हनुमान मंदिर पर संगीतमय सुंदरकांड का हुआ आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज शिरडी साईं दर्शन भक्त संस्था के तत्वाधान में पुराना शहर स्थित सती वाले हनुमान जी के मंदिर पर संगीतमय सुंदरकांड पाठ श्री हनुमान जी महाराज को सुनाया गया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के दौरान मंदिर महंत श्री कृपादास जी ने सुंदरकांड पाठ के बाद भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि बड़े भाग्य से संतों का सानिध्य प्राप्त होता है और घर में गुरु का शुभ आगमन बड़े ही सौभाग्य से ही होता है। कहा भी गया है, सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल भवन अमंगल दमनु। गुरु आगमन शुभता का प्रतीक होता है। गुरु ईश्वर का ही रूप होते हैं क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश है। महाआरती के तत्पश्चात अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष लोकेश तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद सिंगल, सचिव भारत शुक्ला, बनवारी शर्मा, अमित सक्सेना, राघव उपाध्याय, सौरभ, ऋषि शर्मा, भारती गुप्ता, अजय बंसल सहित संस्था के पदाधिकारी व भक्तगण उपस्थित रहे। गुरु परशुराम दास महाराज जी के सानिध्य में सती वाले हनुमान जी पर अन्नकूट की प्रसादी का भोग लगा और सुंदरकांड का रामायण का पाठ हुआ और सभी शहर भक्तों वालों ने और साईं वाली कमेटी ने अन्नकूट की प्रसादी का भोग लगाया। बड़े प्रेम से सब भक्तों ने प्रसादी पाई। बोलो बजरंग बली की जय। हार्ट विशेषज्ञ डॉक्टर पांडे शनिवार रविवार धौलपुर में देखेंगे मरीज। धौलपुर की प्रमुख खबर। डॉक्टर आर के पांडे एमडी मेडिसिन डीएम कार्डियोलॉजी हार्ट स्पेशलिस्ट इस माह 26 नवंबर शनिवार की शाम 6 बजे से 10 बजे तक एवं 27 नवंबर रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोग, सीने में दर्द, भारीपन, दमा, श्वास, अस्थमा, मियादी बुखार, चक्कर, धड़कन बढ़ जाना, बेहोशी, थायराइड संबंधित सभी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर आर के पांडे से एरोविक फिजियोथेरेपी सेंटर कार्डिक आईसीयू के सामने हॉस्पिटल रोड धौलपुर में मिलकर परामर्श ले सकते हैं। अधिक जानकारी तथा पूर्व अपॉइंटमेंट के लिए 9785304530 एवं 9660935272 पर संपर्क कर सकते हैं। धौलपुर से प्रिंस हुंडावाल की रिपोर्ट। संसार में केवल श्री कृष्ण ही दिला सकते हैं सुख, आचार्य योगेश तिवारी जी महाराज। धौलपुर की प्रमुख खबर। हनुमान मंदिर चुरामन की बगिया काश्तपाड़ा धौलपुर में भागवत कथा के पांचवे दिन आचार्य योगेश तिवारी शास्त्री ने कहा, आपके दुख का कारण दुनिया से आपका बंधन है। पूरे संसार में सुख केवल आपको श्री कृष्ण ही दिला सकते हैं। श्री कृष्ण ने विचार किया कि मुझमें शुद्ध सत्वगुण ही रहता है, पर आगे अनेक राक्षसों का संहार करना है, इसीलिए ब्रज की रज के रूप में रजोगुण संग्रह कर रहे हैं। आचार्य योगेश तिवारी महाराज ने जीव जगत के बंधन और सुख दुख के रहस्य को बताया। पूतना उद्धार एवं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन भक्तों को श्रवण कराया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। आनंद छाया
भाजपा मांगरोल मंडल कार्य समिति बैठक संपन्न। मांगरोल की प्रमुख खबर। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के मांगरोल मंडल की कार्य समिति की बैठक मांगरोल पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हाकिम सिंह लोधाने की। कार्य समिति बैठक में जनाक्रोश यात्रा विधानसभा प्रभारी जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, मंडल प्रभारी विजय त्यागी, जिला उपाध्यक्ष नागवेंद्र सिंह, युवा नेता दुष्यंत शर्मा, लाला गलेथा मौजूद रहे। बैठक में मंडल अध्यक्ष की अगुवाई में राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों का एक स्वर में विरोध करते हुए राजनीतिक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष हाकिम सिंह लोधा, विधानसभा प्रभारी जन आक्रोश यात्रा कमल पहाड़िया एवं मंडल प्रभारी विजय त्यागी ने बताया कि भाजपा 17 दिसंबर को सरकार की चौथी वर्षगांठ को काला दिवस के रूप में मनाएगी। बैठक को जिला उपाध्यक्ष नागवेंद्र सिंह चौहान, लाला सिकरवार, दुष्यंत शर्मा ने संबोधित किया। कार्य समिति बैठक का संचालन पंकज ने काली ने किया। बैठक में महामंत्री गोपाल कटारा, पंकज नेकाडी, पूजा कुशवा, दुष्यंत शर्मा, निहाल सिंह, बॉबी खान, विद्या राम, विशम्बर सिंह, रघुवीर सिंह, गीता राम, शेर सिंह लोधा, बबलू पोसवाल सहित प्रमुख दायित्ववान कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सतीश पुनिया जिंदाबाद। जिंदाबाद।